भजन तीन प्रकार, कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक है शरीर के द्वारा, जैसे तीर्थ पर्यटन, सेवा आदि जो करते हैं इंद्रिय के द्वारा, कोई संत या गुरु को सेवा, पानी लाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, रोशनी करते हैं, इंद्रिय के द्वारा। तो यह कायिक भजन। वाचिक भजन शब्द के द्वारा, नाम जप, स्तव, स्तुति, वंदना, ये वाचिक भजन। मानसिक भजन है मन के द्वारा, शरण मरण चिंतन, ये मानसिक भजन। और तीनों अगर युगपत हो जाए तो कितना अच्छा है ना। तीनों एक साथ, कायिक भजन हम सेवा कर रहे हैं शरीर के द्वारा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा कर रहे हैं, वाचिक मुख में नाम कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और मन में चिंतन कर रहे हैं, तीनों हो रहा है एक साथ। ऐसे जो बहाना बनाते हैं वो मिथ्यावादी, उसको भजन करना ही है नहीं। इसे सेवा करते हैं, सेवा में दिन बीत जाता है, भजन कब करेंगे हम। भजन माने हम क्या समझते हैं, भजन माने हम, हमारी एक एक धारणा, जो भजन माने माला लेकर के दीवान में पीठ लगा करके बैठेंगे, कब सो गया माला, एक राउंड हो गया, बस हो गया, खत्म, एकदम समाधि में। जब समाधि टूटा, समाधि में निद्रा निद्रा जब टूटी तो देखते हैं दो माला हुआ है, घंटा भर बीत गया, दो माला हुआ है, बस हो गया हमारा आज का भजन। लो, मन नहीं है उसमें, नाम भी नहीं है, और शरीर तो निद्रा में अभिभूत हो गया बस, और उसको कहते बड़ा भजन कर लिया बजरंगी। ऐसा नहीं होता है ना। तो ये तीनों भजन होना चाहिए। ऐसे जो गुरु भजन, गुरु सेवा करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ भजन है।